नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाई एफएम सिक्योरिटी में। दोस्तों, हिकविजन और डहुआ जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉप टू सेलिंग कंपनी है सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम की, उनको ये प्रॉब्लम हुआ है, बैन कर दिया गया है आपके अमेरिका में। ये कोई नया लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये फैलाया जा रहा है फिर से, ये पुराना न्यूज़ है। आप देख लीजिए, 2018 में ही ये बैन हुआ था, और वो बैन होने के बाद ये डेडलाइन दिया हुआ था 2019 के अगस्त तक जो है ये सारे कैमरे, हिकविजन और डहुआ के कैमरे जो हैं, वो जहाँ पर भी लगे हुए हैं उस कैमरे को, उस सर्विलेंस सिस्टम को, उस सिक्योरिटी कैमरे को हटा दिया जाए पूरी तरह से। लेकिन ये एक आर्टिकल आया था कि ये पॉसिबल नहीं है, काफी समय लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया में जो है हिकविजन के कैमरे लगे हुए हैं, ये आर्टिकल आई थी। अब ये एक अफवाह फैलाए जा रही है। एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के, जो सेकंड नंबर पे जो सेलिंग के मामले में आती है, और उनका नहीं, उनके द्वारा नहीं, लेकिन कुछ उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ उनके जो है रिटेलर डीलर वगैरह हैं, जो कि इस अफवाह को फैला रहे हैं कि आप जो है हिकविजन बैन हो गया, इंडिया में भी बैन हो जाएगा, और इस तरह की जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज मैं क्लियर करूंगा कि सच में क्या प्रॉब्लम हुई है, और इंडिया में इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि दिल्ली में जो है जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, पूरी तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के बिजनेस कर रहे हैं, या फिर करना चाहते हैं, या फिर अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँ, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, जो बैन हुआ है वहाँ पर अलग रीजन से, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ। आपको पता है कि चाइना में यूट्यूब बैन है, गूगल बैन है, आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, और आपको यूएस में हुआवे बैन है, आपको पता ही है गूगल ने सपोर्ट को वापस ले लिया, हुआवे बैन है, और हिकविजन और चाइना जो डहुआ जो है वो बैन है। क्यों बैन है? ये सिंपल सा ये ट्रेड वायर है उनके इंटरनल मामले पे। अभी तक ये सिद्ध यूएस के द्वारा भी नहीं हुआ है कि सच में जासूसी किया जा रहा है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। अब जो समस्या इंडिया में है, अब आपको पता होगा कि 1.5 लाख कैमरे जो है दिल्ली में इंस्टॉल होने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि पूरे दिल्ली को जो है वो सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम से जो है वो कवर करेंगे, सिटी सर्विलेंस करेंगे। तो इसका जो उन्होंने कदम उठाया, आपको एक ये भी पता होगा कि एक जो विवादास्पद उनका जो निर्णय था, जो मुझे भी सही नहीं लगा, कि सभी स्कूलों में जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम को लगा रहे हैं, और उसको जो है डायरेक्ट मॉनिटरिंग दे रहे हैं उनके पेरेंट्स को, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है इस बारे में, बहुत ही ज़्यादा विवाद हुई है, और काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी का। चूंकि सही मायने में आप समझ लीजिए कि आप 40 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 40 बच्चे में एक टीचर मान के चलिए पढ़ा रहे हैं, अब उनके हर फैमिली में जो 5 मेंबर हैं, आप सोच लीजिए कि 200 मेंबर जो हैं वो जो है उनको वॉच कर रहे हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। उसके बाद आप साइकोलॉजी समझिए कि वो टीचर कैसे पढ़ा, छोटी छोटी चीज़ों में कंप्लेन आएंगी, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। ये लॉन्ग लास्टिंग, ये सस्टेनेबल भी नहीं है, ये ज़्यादा लंबा तक ये नहीं चलने वाला। इसके बाद सिक्योरिटी, आप 200 में से कोई एक फैमिली में कोई एक आदमी कोई ऐसा हो जो कि सिक्योरिटी लीक कर दे, वहाँ पर किस तरह से बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, तो सिक्योरिटी पर भी जाती है, तो बहुत बड़े हादसे भी हो सकते हैं दिल्ली में इसके कारण। और मुझे पता है कि ये वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 हादसे भी हुए थे जो कि संदेहास्पद तरीके से कुछ बच्चों की मौत हुई थी स्कूल में, तो फिर उनका ये जो निर्णय है वो ये सोच के है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को निगरानी में रखे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए कि क्या मामला, स्कूल की गलती है या कहां पर क्या गलती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस निर्णय पर मैं 50-50 हूं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप एग्री हैं या नहीं। अब और ये जो है वहाँ के जो अपोजिशन जो भी हैं, और नीति आयोग के द्वारा भी एक जो रिपोर्ट आई है, जो कि एक रिपोर्ट है कि हिकविजन को दिया हुआ है वह टेंडर, प्रमा हिकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिले, आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, प्रमा हिकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला डायरेक्ट, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई डीलर नहीं, यह याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उनको मिला है, और इसके बाद अब वहाँ पर 1.5 लाख सिक्योरिटी सिस्टम लगने हैं, और उनका कंप्लेन ये है कि 58% शेयर जो है चाइनीज ऑन्ड जो ब्रांड है उनके पास, यानी कि चाइनीज जो चाइना में रहने वाले हैं वो जो है 58% शेयर होल्डर हैं आपके जो है प्रमा हिकविजन के। अब
समझ लीजिए कि डेटा लीक की प्रॉब्लम, चूँकि चाइना और पाकिस्तान जो है दोनों में जो एक संबंध है, आपको पता ही है, दोनों एक दूसरे में जो है ज़्यादा फेथ महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, चाइना कोऑपरेट भी करते हैं पाकिस्तान को, तो ये एक डर इंडिया को जो कि वाजिब भी है, डर होनी चाहिए। लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि चाइना जो हिकविजन के जो कैमरे हैं आप इंडिया में बैन कर लीजिए पूरी तरह से, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, आप समझ लीजिए पूरी तरह से पॉलिटिकल लड़ाई है। मैं ज़्यादा इस बात पर डीपली नहीं जाऊँगा, मगर आप समझ लीजिए कि आप SBI से लेके बड़े बड़े बैंक में जो है, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज में जो है हिकविजन के कैमरे लगे हैं। अब बताइए कि क्या वहाँ पर डेटा लीक की समस्या नहीं आती, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी की समस्या नहीं आती, सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा क्यों है? हम मैं समझ रहा हूँ चूँकि दिल्ली भी जो है एक दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो वहाँ पर ज़्यादा इस बात का तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहानी है। अब आप लिखिए, ये जो बातें फैलाई जा रही है, डहुआ CVI को डहुआ ने बनाया था, आपको पता है, जिसको कि बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती है। अब ये बताइए, जब डहुआ बैन हो जाएगा इंडिया में तो CVI कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, हिकविजन बैन हो जाएगा तो फिर सोचिए क्या होगा, फिर इंडिया में कौन काम करेगा? और क्या आप पेटीएम जो इतना सक्सेसफुल जो पेटीएम स्टार्टअप है इंडिया का, पेटीएम के बारे में आप लोग सभी जानने होंगे, आप सोचिए कि पेटीएम को जो है जैक मा जो कि अलीबाबा के जो फाउंडर हैं उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया था, और मैक्सिमम जो है शेयर होल्डर जो है वो इंडिया के बाहर से ही है, तो क्या डेटा लीक की समस्या वहाँ नहीं है? वहाँ भी डेटा लीक की समस्या, वीवो ओप्पो Xiaomi बहुत तरह की कंपनियाँ हैं, डेटा लीक तो होनी ही है। अगर ये शक है आपको, तो अगर सही में डेटा लीक के लिए, डेटा लीक वाले मामले पर अगर सिंसियर पूरी तरह से गवर्नमेंट, तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट जो कि आपके इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट ही हैं, तो उस पर बैन लगाया जाए, या फिर उस पर एक जांच किया जाए, एक आयोग बैठा के जांच किया जाए कि सच में क्या कहानी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी कोई निर्णय नहीं है, ये एक जो लड़ाई है और इसका फायदा उठाया जा रहा है। आप आसानी से काम कीजिए हिकविजन का, डहुआ का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बैन नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में यूट्यूब गूगल चला रहे हैं, आपका वहाँ पर बैन है, कुछ दिनों तक जो है आपका पाकिस्तान में भी बैन था, चाइना में अभी भी बैन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना आसान, कोई दिक्कत नहीं, अपना बिजनेस कीजिए, किसी की अफवाह में मत आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा, मेरी बातों से आप संतुष्ट हुए हैं तो, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मुझे भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी।